गुड मॉर्निंग क्लास क्लास वी वर डूइंग द टॉपिक टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड वी वर फिनिश विद द टॉपिक टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड क्लिप आर्ट। बेटा इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं और हमको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर हमारा बेस है काफ़ी चीज़ों के लिए, और अगर हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है तो हम काफ़ी चीज़ें आगे चलकर बहुत ईजिली तरीके में कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अब का जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिप आर्ट, इंसर्टिंग इमेजेस। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो। अब पिक्चर्स कहाँ कहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो? क्लिप आर्ट से कर सकते हो, फाइल से कर सकते हो, गैलरी से कर सकते हो, फोल्डर्स से कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कर सकते हो। तो हम एक एक करके उनके स्टेप्स लर्न करेंगे, सीखेंगे कि क्लिप आर्ट से कैसे इंसर्ट होगी, फाइल से कैसे होगी, क्लिप आर्ट गैलरी से कैसे होगी, हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम द क्लिप आर्ट। अ क्लिप आर्ट गैलरी इज एन एरिया इन एमएस वर्ड वेयर ऑल ग्राफिक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आर स्टोर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम क्लिप आर्ट से इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। और क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट गैलरी एक होती है एमएस वर्ड में, जहां पर सारे ग्राफिक पिक्चर्स डिफरेंट कैटेगरीज के स्टोर्ड होते हैं। जैसे अगर आपको कार की फ़ोटो अपलोड करनी है तो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उसके डिफरेंट पिक्चर्स होंगे। बाइक्स की करनी है, आपको कलर्स की करनी है, आपको टेलीविजन की करनी, जिसकी भी आपको करनी है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अब हम स्टेप्स लर्न करते हैं, समझते भी हैं कि इमेज इंसर्ट कैसे होती है क्लिप आर्ट से। स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। पहले आप लोग सभी कुछ होम से कर रहे होते हो रहे थे, अब आप इंसर्ट टैब्स को क्लिक करेंगे। आप ये इंसर्ट टैब कहाँ होता है? ये होम के जस्ट साथ में, देखो आप लोग अपनी स्क्रीन्स में देखिए वहाँ पे बना होता है। तो आपने क्लिक किया इंसर्ट टैब पे, फिर आपने क्लिक करा क्लिप एट ऑप्शन पे। आप जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो क्लिप एट ऑप्शन होगा। तो आपने क्लिक किया क्लिप एट ऑप्शन पे तो एक विंडो अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पे राइट कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अपीयर हो रही है, सेम विंडो आपके कंप्यूटर्स में भी अपीयर होगी। अब इसमें आप सर्च कर सकते हो जोन सी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, उन्होंने सर्च बॉक्स में कार का सर्च किया है। तो आपका थर्ड पॉइंट यही था कि अ स्मॉल विंडो ऑफ क्लिप आर्ट ओपन्स ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, क्लियर। फिर आपने टाइप किया द नेम ऑफ द पिक्चर रिक्वायर्ड बिसाइड्स द सर्च फॉर बॉक्स। आपने सर्च पे आपने कार लिखा, फिर आपने जैसे ही कार लिखा आप गो कर दोगे, टाइप कार बिसाइड एंड क्लिक ऑन गो। फिर हमें वेराइटी ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ कार्स मिल जाएंगी। आपको दिख रहा है हमारे पास 6 वेराइटीज़ हैं इस टाइम पर अवेलेबल। आपको जो सी भी पिक्चर करनी है इंसर्ट, आप उस पर सेलेक्ट करिए। आप जैसे ही उस पर सेलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, आप वहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करिए और हमारी इमेज इंसर्टेड हो जाएगी। सो Select the image you want to insert. Click on the arrow beside the image. Click on the insert option. The selected image has now been inserted where the cursor places in the document. यही आपको मैंने बताया कि क्लिप आर्ट से हम कैसे इंसर्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम अनदर फाइल और कॉपी द इमेज फाइल टू द क्लिप आर्ट एंड देन इंसर्ट द सेम इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट। हम फाइल से भी इंसर्ट कर सकते हैं और क्लिप आर्ट की गैलरी से भी। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि हम कैसे इंसर्ट करेंगे फाइल से। आपको अगर फाइल से इंसर्ट करनी है तो आपने क्लिक किया इंसर्ट टैब पर अपने रिबन टैब रिबन मेन्यू से, फिर आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा। तो आपने क्लिक पिक्चर ऑप्शन को क्लिक किया, फिर आपके पास एक विंडो अपीयर होगी। अ विंडो अपीयर्स एंड नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द पिक्चर इज स्टोर्ड। जैसे ही आपको दिख रहा है
टेक्स्ट बुक में आपकी ये जो विंडो अपीयर हो रही है ऊपर, ऐसी ही आपकी स्क्रीन पर भी अपीयर होगी। अब जहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को स्टोर की है, आप वहाँ पर जाइए, उस लोकेशन को सेलेक्ट करिए। जैसे कि इन लोगों में कहाँ पर किया, इन्होंने लाइब्रेरीज़ में जाके डॉक्यूमेंट्स में सेव करी अपनी पिक्चर। तो आप वहाँ पर गए, सेलेक्ट किया आपने लोकेशन, आपने डिज़ायर्ड पिक्चर, जैसे आपकी फूड पिरामिड है तो आपने फूड पिरामिड को सेलेक्ट किया, और आप नीचे आपको दिख रहा होगा कि इंसर्ट का ऑप्शन है, आपने इंसर्ट पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तो जहाँ पर आप चाहते थे अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट हो जाए वहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगी। मैं एक बार फिर बताती हूँ कि इसमें कैसे इंसर्ट करते थे हम फाइल। हमने क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फर्स्ट ही विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि क्लिक करेंगे हम पिक्चर ऑप्शन पे, एज सून एज वी क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन अ विंडो अपीयर्स एंड नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द पिक्चर इज स्टोर्ड। आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने अपनी पिक्चर सेव की होगी, आप पिक्चर्स कहीं भी सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज, डेस्कटॉप, कहीं पे भी कर सकते हो। जहाँ पर आप सेव करोगे आप उसको क्लिक करोगे एंड उसके बाद आपने सेलेक्ट की उस डिज़ायर्ड पिक्चर को, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे और हमारी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि क्लिप आर्ट से कैसे करते हैं इंसर्ट इमेज, और फाइल से कैसे करते हैं इंसर्ट इमेज, और क्लिप आर्ट की डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि क्लिप आर्ट गैलरी से कैसे करते हैं।